इनको सोच के फिल्में लिखी जाती हैं, जिस फिल्म में ये होती हैं हीरो और विलेन का पत्ता कट जाता है और अब तो कॉमेडियन की भी छुट्टी हो जाती है। बात कर रहे हैं द वेरी वर्सेटाइल, द वेरी टैलेंटेड विद्या बालन और साथ में अली फिल्म बॉबी जासूस के लिए हमसे बात करने का आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया विद्या, जब से खबर आई है कि आपने जासूसी शुरू कर दी है लोग घबराने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। गड़े मुर्दे उखाड़ कर बाहर निकालने वाली हूँ मैं। हाँ। सबको बच के रहना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूंगी आपके इस बैग में क्या है? ये इसमें मेरे औजार हैं, जासूस के औजार हैं। दूरबीन है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, ग्लव्स हैं, दाढ़ी मूछ है, कब लगाना पड़े क्या पता, पानी का बॉटल है, बिस्किट का पैकेट है। सब कुछ है जी। मैंने सुना है आप कुछ दिन पहले शायद आपने कहा था कि आप अगर जासूसी करें तो श्री अमिताभ बच्चन की और जॉर्ज क्लूनी और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जासूसी करना चाहेंगे, ऐसा क्यों? आई थिंक हम जिनके फैन होते हैं हम उनके बारे में सारी चीजें जानना चाहते हैं, उस वजह से मैंने ये कहा था। एंड उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। जॉर्ज क्लूनी को लेकर मेरी नीयत जरा खराब है पर बाकी तो there's nothing you know beyond that and there's nothing political about it। जी, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लिया आपने? मैं उनकी फैन हूँ जैसे मैंने आपको बताया। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सब उनसे प्रेरित हैं क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है कि आम इंसान अगर कुछ चाहे तहे दिल से या फिर ईमानदारी से कोशिश करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम और बिकॉज ऑफ दैट मैंने ऐसे कहा। जी, इससे पहले मैं आप दोनों को थोड़ा रैप करते हुए कुछ गाना गाते हुए सुन रही थी, वो भी फिल्म का गाना है। हाँ, बिल्कुल। सुन सकते हैं? जासूसी जासूसी मर्दों की गली में ये पुट्टी ये पुट्टी नहीं पटाखा लो बॉबी आई रे। जी, ज्यादातर जब विद्या जिस फिल्म में होती है तो हीरो थोड़ा सा घबराते हैं। आप कितना तो कितनी इन्होंने कैंची चलाई आपके मतलब रोल में किरदार में एकदम? नहीं, आई थिंक काफी काफी तेज है इनके औजार और जासूसी भी हम पे बहुत ही चली है लेकिन आई थिंक काफी दोस्ती भी हो गई थी हम लोग की। पर ये भी कुछ कम नहीं है। नहीं, हमेशा चलता रहता है। नहीं, लेकिन आई थिंक हमारी 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 दोस्ती जो हुई थी वो वर्कशॉप्स पे हुई थी जो हमने फिल्म के स्टार्ट करने से पहले शुरू की थी। 6-7 दिन आई थिंक हमने वर्कशॉप्स की थी। और तो ऐसा क्या पता चला विद्या के बारे में जो हम नहीं जानते अभी तक, कोई ऐसी जासूसी जो आप कर पाए इन पर? जी, पोल खोल दीजिए। अब गाती बहुत अच्छा है और झूठ भी बोलती है। मेरे लाइंस चुरा लिए। या क्योंकि यू कीप टेलिंग मी, ये सबको बोलती है मैं झूठ बोलता हूँ। शी इज सच अ फैब डांसर। नहीं, आपने कहा जासूसी आप इन खास शख्सियतों की करना चाहेंगे लेकिन अगर आपकी कंटेम्प्रेरीज की बात करें, हीरोइंस की, एक्ट्रेसेस की, जो आपकी कंटेम्प्रेरीज है उनमें से आप किसकी जासूसी करना चाहेंगी? कंटेम्प्रेरीज में से I think, oh God, should I say, or Sonakshi. जी, Sonakshi Sinha की जासूसी की। हाँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत बिंदास है और उस वजह से जासूसी करना चाहूंगी। हैदराबादी एक्सेंट भी इस फिल्म में हमने सुना है, आपके डायलॉग्स उस एक्सेंट में है तो जरा हम जरूर सुनना चाहेंगे। मेरे को आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। पता नहीं, बहुत बहुत बोलती बहुत है। अच्छा, नहीं, आई नो, अब आपका आप भी बोल दीजिए। मेरे को क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा, पुट्टी।